अगर आपका गलत है तो गलत का विरोध नहीं चलावा कोई ध्यान सरकार को नहीं है सिटी के ऊपर नहीं रख गया ये तो गड्ढे का मैदान बन गया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एस एस आई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना साहिब, पटना सिटी का हृदय स्थलों में से एक स्थल है गांधी सरोवर मंगल तालाब। ये हमारे ठीक पीछे गांधी सरोवर मंगल तालाब है और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये बोर्ड है त्रिमूर्ति चौक और तीन शब्दों में लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति चौक उर्दू में भी है और सिख में भी है। इसके ठीक सामने बाल लीला ये गुरुद्वारा का ये रास्ता है, उसको कहते हैं जीरा पर गया। हमारा मकसद है यहाँ पर आने का कि सरकार करोड़ों रुपये सौंदर्यकरण में खर्च करती है। सौंदर्यकरण बहुत तरह का होता है, हम उसी का मुआयना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए मेरे साथ यहाँ का सौंदर्यकरण हम देखते हैं ज़रा, चलिए। बोल रहे थे सर कि यहाँ पे मतलब कि जितना जो ट्रैक वगैरह है सब दिख रहे हैं एकदम कंडीशन सबका ख़राब हो गया। पहले तो शुरू में बना था तो उस समय कुछ मतलब कि 3-4 साल ठीक रहा, उसके बाद जो टूट गया है कोई यहाँ बनवाने वाला नहीं है, कोई कुछ करवाने वाला नहीं है। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने में, टहलने में, दौड़ने में आते हैं सुबह सुबह, बहुत दिक्कत होता है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही क्या? जी जी, कोई ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। ये बाउंड्री भी जो किया हुआ वो भी सब धीरे धीरे है कि टूटता जा रहा है और आम मतलब कि हमेशा यहाँ पे खतरा बना हुआ रहता है। मतलब कि टूटा हुआ है तो गिरने का डूबने का खतरा बना हुआ रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जब आप देखते हैं तो ये ट्रैक ये पूरा होना चाहिए था लेकिन ये ट्रैक है नहीं और यहाँ टूटा टूटा है। अब जहाँ भी देखेंगे तो कुछ टूटा टूटा इधर से पूरा टूटा हुआ ही है। तो हम तमाम हम आपको नज़ारा और दृश्य दिखलाते हैं गांधी सरोवर, क्योंकि हृदय स्थलों में से एक स्थल है। बहुत ही खराब स्थिति है पटना सिटी का गांधी सरोवर खास करके। ये मंगल तालाब हमारा सिटी के लोगों का घूमने का ये पर्यटक स्थल है जो कि इधर साल भर से कम इधर बहुत ही बेकार स्थिति है। कोरोना के बाद से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इधर बहुत सारे सड़कें टूटी हुई है, रोड टूटी हुई है, कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं। इधर सौंदर्यकरण तो छोड़ ही दीजिए, सौंदर्यकरण के नाम पे कुछ है ही नहीं बचा हुआ। जितना था पहले सब रोड मोड़ के सब खत्म हो गया। रोड की स्थिति बहुत ही ख़राब है और ये पहले भी हम लोगों ने इससे पहले भी कंप्लेन किया था, आज तक सर गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आए दिन इसका कंप्लेन होता रहता है, गड्ढा है, खुरा हुआ है, चैम्बर खुला हुआ है, कोई ध्यान सरकार को नहीं है सिटी के ऊपर। और मेन पर्यटक स्थल यहाँ पर है, हिंदू मुस्लिम सब लोग के लिए यहाँ पर बना हुआ, लेकिन इस पर गवर्नमेंट के कोई भी ध्यान नहीं है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि इस पर अविलंब ध्यान दिया जाए और इसका सौंदर्यकरण का काम पूर्ण किया जाए। पटना सिटी में बहुत ख़राब है मंगल तालाब का तो, और ये ट्रैक ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने के दौड़ने के लिए आते थे, पूरा रोड टूटा फूटा है जिसके कारण से कई बार हम लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं यहाँ दौड़ने धूपने फिर या खेल कूदने फिर। देखने सुनने वाले देखिए सबको है लेकिन इंसान को एक होता है ना अपना मेंटलिटी, कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता है। बस सिर्फ नाम का कि स्मार्ट सिटी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी कहाँ? हम लोग भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार या फिर किसी में गलती है, पर हम लोग में भी कुछ गलती है। जैसे स्मार्ट सिटी सरकार हम लोग की मदद करे क्या है? यहाँ देखिए मंगल तालाब कितना साफ किया जाता है फिर भी देखिए हम ही लोग में से कुछ इंसान यहाँ गंदगी फैलाते फिर भी कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा? हम लोग में भी गलती और सरकार में भी गलती, जो हम लोग की तरफ ध्यान नहीं देते या फिर यहाँ के वार्ड संख्या जिसका वो भी ध्यान नहीं देते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। बहुत टहलने में दिक्कत होता है, कहीं पैर लड़खड़ा जाता है, लगता है कि थोड़ा सा ट्रैक पर ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान वान दे रहे हैं कि नहीं? कोई ध्यान नहीं देता है। चारों तरफ कितनी गंदगी है, किनारे किनारे किसी तरह की सफाई नहीं है फिलहाल तो, और बहुत जगह ट्रैक टूटा हुआ है, बहुत जगह ट्रैक टूटा हुआ है और जिस तरह का मेंटेनेंस चाहिए उस तरह का नहीं मिल रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये मंगल तालाब, आप तो जानते ही हैं,
पंजाबी लोगों का यहाँ पे बना हुआ है, धार्मिक स्थल भी है उनके अनुसार, तो इसको उस तरह से मेंटेन रखना चाहिए ना। बट इस तरफ नगर निगम का आई थिंक ध्यान नहीं जा रहा है कि क्या है, करते हैं लोग काम बट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये जनता जनार्दन जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये नहीं है, ये जो सिलापट जो होना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉक जब आते हैं तो इसी पर रखाता है, अगर इस पर रखा जाएगा तो वो फिर घटना घट सकता है, दुर्घटना का शिकार हो सकता है। हम इस पूरे राउंड को मैं मारता हूँ आज, कहाँ कहाँ कुछ टूटा फूटा है और वहाँ के जनता जनार्दन से हम जानकारी लेते हैं। चलिए, स्टेडियम नहीं ढक गया, ये तो गड्ढे का मैदान बन गया है, हर तरफ रोड टूटा हुआ है, हर तरफ ट्रैक टूटा हुआ है, रोज दुर्घटना होता रहता है, किसी को कोई एक्सरसाइज करने में नहीं बनता है और सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ। रोज लड़के लोग चोटिल होते हैं, रोज घायल होते हैं, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं इधर इधर सब तरफ रोड वगैरह ट्रैक वगैरह सब टूटा हुआ है, इधर देख लीजिए और आगे चलिएगा, आगे भी और भी बहुत सारे गड्ढे गुड़े करके छोड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहते हैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ईश्वर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ट्रैक वगैरह बनवाएं इन लोग को, थोड़ा सभी लोग को, प्लेयर लोग को आसानी हो तैयारी करने में, प्रतियोगी लोग प्रतियोगिता के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ कोई व्यवस्था है। हम इसी आई लव से विदा चाहते हैं। SSITube आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही जन समस्या से रूबरू होते रहेंगे। अगर आपकी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बटन दबाइए, हम हाजिर हो जाएंगे। जय हिंद।